नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लासरूम आरबीआईसीए में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एज ए हेल्थ वर्कर जब हम कोविड एरिया से बाहर आते हैं तो हमें अपने पीपी किट को उतारना पड़ता है, इसे हम डॉफिंग कहते हैं। डॉफिंग के वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डॉफिंग के वक्त हमें ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए क्योंकि इस समय हमें संक्रमण होने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे गाउन पे, पीपी किट पे इन्फेक्टेड या वायरस हो सकता है। तो सबसे पहले हम हैंड हाइजीन करते हैं अच्छे से। हैंड हाइजीन करने के बाद हम आउटर ग्लव्स है वो उतारते हैं। आउटर ग्लव्स इस प्रकार उतारते हैं ताकि जो ये ग्लव्स है कहीं और टच नहीं हो, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे कहीं टच नहीं हो। तो बड़े सावधानी से आउटर ग्लव्स को उतारते हैं। आउटर ग्लव्स को उतारने के बाद इन्हें रेड कलर के डस्टबिन में हम फेंकते हैं। हैंड हाइजीन करने के बाद हम हुड को पीछे आराम से खींचते हुए हटाते हैं, फिर चैन निकालते हैं और धीरे से गाउन, जो पीपी का गाउन है, उस गाउन को इजी वे में निकालते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इस तरह निकालना है कि कोई भी गाउन का बाहरी पार्ट है अपनी बॉडी को छुए। तो हम गाउन को उल्टा निकालते हैं, सीधा कभी नहीं निकालते, उल्टा हाथ उल्टा खींचते हुए निकालते हैं और गाउन को इस तरह निकालेंगे कि पूरा ही गाउन निकालते वक्त उल्टा हो जाए। बड़ी सावधानी से निकालना होता है ये। पूरे गाउन को हम उल्टा निकाल रहे हैं। उल्टा निकालने के बाद इसको हम उल्टा ही फोल्ड करेंगे, सीधा नहीं करेंगे। और इस तरह में हम लोग देसी भाषा में इसको बोलते हैं गोट मोट करना। तो इसका यानी छोटा सा इसको बंडल बना देंगे, छोटा बंडल को हम डस्टबिन में डालेंगे। हैंड हाइजीन करते हैं। हैंड हाइजीन के बाद गॉगल्स निकालते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर से हैंड हाइजीन करते हैं और कैप को पीछे की तरफ खींचते हुए निकालते हैं। हैंड हाइजीन करते हैं। अब N95 के इलास्टिक को बड़े सावधानी से कान के पीछे से उठा के निकालते हैं ताकि N95 का कोई भी हिस्सा अपने बॉडी को ना छुए और सीधा उसको डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर से हैंड हाइजीन करते हैं। हैंड हाइजीन के बाद इनर ग्लव्स को बड़ी सावधानी से निकालते हैं ताकि इनर ग्लव्स का कोई भी पार्ट अपनी बॉडी को ना छुए। इजी वे में निकाल के उसको सीधा डस्टबिन में डाल देते हैं। फिर से हैंड हाइजीन करते हैं। इस प्रकार हम डॉफिंग करेंगे।